अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ट्रायंगल एबीसी गिवन है, उसमें सीडी जो है वो एंगल बाईसेक्टर है। सीडी जो है वो क्या है, एंगल बाईसेक्टर। आगे एसी 3 है और यहाँ सीबी जो है वो हमारे पास 6 गिवन है। सीबी कितना है, 6 गिवन है। एबी हमारे पास कितना है, 7। एबी क्या है, 7 टोटल दिया हुआ है। एडी हमने फाइंड करना है एंड बीडी भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसको पेज पे नोट कर लेना है, तो ये पेज पे हमने नोट कर लिया। तो अब हमारे पास टोटल 7 है, तो इसका नाम हम एक्स रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं, एक्स। तो जब एक्स रखेंगे, टोटल का नाम 7 है, तो 7 में से ये एक्स माइनस करेंगे तो ये डी बी वाली साइड आ जाएगी। कौन सी साइड आ जाएगी, डी बी। तो ये आ जाएगी 7 माइनस एक्स, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करनी होती। तो अब चारों चीज़ें आ गई, अब हम रेशो लगाएंगे सी ए ओवर ए डी, सी ए ओवर ए डी, जहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब ये क्रॉस में देख लें सेम आ रहा है इसमें। उसके बाद इधर भी सी पहले था, उधर भी सी पहले आएगा, तो सी बी ओवर बी डी। तो सी बी ओवर बी डी ये देख लें क्रॉस में सेम, और पहला पहले से सेम होना चाहिए, इधर भी क्रॉस में सेम, इधर भी क्रॉस में सेम, तो रेशो ठीक होती है हमारे पास। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे, सी ए की वैल्यू 3 आ गई, ए डी की एक्स, उसके बाद सी बी की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास, बी डी की वैल्यू आ गई 7 माइनस एक्स। आगे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 7 माइनस एक्स, और 6 जाके एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 माइनस 3 को एक्स से करेंगे तो 3x आ जाएगा, 6x वैसे आ गया, 3x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वो कितना बन गया, 9x। अब हमने x फाइंड करना है, तो 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो ये कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7/3। आंसर कितना आ गया, 7/3। और ये ए डी की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी डी। क्या फाइंड करना है, बी डी। तो जब हम बी डी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास होता है 7 - x के इक्वल। तो एक्स हमने फाइंड कर लिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 7/3। तो ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा, -7/3। तो अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। तो 7 × 3 = 21 -7, तो माइनस करेंगे तो 14/3। तो ये बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14/3। और ए डी की वैल्यू कितनी आई थी, 7/3। होप कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप लोगों ने कोई और पार्ट्स हैं तो वो भी करने हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।